सो so गैस पिछली दो वीडियो में हमने बात की अबाउट द हाईलाइट ऑफ द शो एंड द मैच ऑफ द शो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिसअपॉइंटिंग मैच ऑफ द शो और मेरे हिसाब से भाई ये डब्ल्यू डब्लू ई चैम्पियनशिप मैच था बिटवीन रू मैक एंड एंड एज नाउ पर्सनली इफ यू एस्क मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस मैच में भाई सारे इंग्रेडिएंट्स थे टू मेक दिस मैच अमेजिंग हाउ एवर स्टिल आई डोंट नो वाई मुझे यह मैच अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से काफी स्लो मैच था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैड अ वेरी अननेसेसरी कैश इन तो यहां पे मिस कैशिंग कर लेते हैं अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इट अ ट्रिपल थ्रेड टीएलसी मैच एंड बेसिकली नथिंग रियली हैपन् क्योंकि स्टिल द विनर वॉज ड्रैक और मेरे हिसाब से दिस वॉज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ दिस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट इससे अच्छा तो यार आई हैव रिकमेंडेड टू यू नो मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन ऑन टैग टीम चैंपियनशिप बिकॉज इवन दो दट वुड सक इससे तो वो सौ गिना बेटर होता है एनी वेज इस कैश इनके डिसीजन से एक चीज क्लियर हो जाती है प्लान फॉर मिस एंड मॉरिशन टू बी इन डब्ल्यू डब्ल्यू टाइटल पिक्चर बिकॉज जब मिस कॉन्ट्रैक्ट जीता था एक उम्मीद आ चुकी थी भाई दिस विल इवेंचुअली लीड द मिस इन टू बीकम The WWE champion, and eventually, shed Morrison Kabi chance lag to win the championship. However, you can throw those ideas away because the contract is not there anymore, and it was wasted for absolutely no reason. But at the same time, cash-in was the only talking point of this match because apart from that, nothing really happened. coffee slow match and there was nothing to talk about. Just the normal match. So, guys, I don't know about you. I was disappointed with this match.

You give this video a like too And if you got time, check my music channel out too It's gonna be worth it, I promise you that yeah. A flow you never heard before, I can promise you that And yeah. if you're liking what you're hearing, you the loving all that